एक बुजुर्ग। अब जरा गौर कीजिएगा इस बात पे कि कहीं इल्म है अमल नहीं, हाँ, और अमल कहीं है। अमल है इल्म नहीं। नहीं। बैठा कदमों में तो कदमों को हाथ लगा कहते सैयदजादे पता नहीं, पता नहीं जब भी हुसैन का नाम आता है मुझे तकलीफ पड़ी होती, क्यों वजह नहीं बता रहा। मैंने नसीर शाह साहब की तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो पटवारी में कहते हैं आज बड़ा बड़ा दरवेश बंदा था। क्या बात, कहते शाह जी आज कटी कटा कड्डी छोड़ो कड्डी, क्या संभाली के बैठे हो करना, दसी छोड़ो आज इसकी, इस गुडरे की। फिर मैं खामोश हुआ। फिर वो कहता है जी मुझे बताएं, वो बुजुर्ग कहते हैं मुझे बताएं। बस फकत फिर एक ही मैंने जुमला कहा, मैं कह सुन जिसके अंदर बुग़्ज़े अहले बैत होता है, मैं क्या अपनी तरफ से नहीं, डॉक्टर तहलु कादरी की किताब में है मुनाकबे अहले बैत, जिसमें फरमाते हैं उनमें से एक निशानी ये कि वो हलाली नहीं होगा हराम सादा होगा। बस ये कहना था तो अजीब उसकी तबीयत दिल बुलाने लगा, मैंने कहा बर्दाश्त करना था। पर कुछ अरसा के बाद सुनना जो नतीजा तुम्हें बताने जा रहा हूं, कुछ अरसा के बाद अब चूंकि बुजुर्ग थे कहने लगे कि सैयदजादे माँ ने उस तरफ इस तरफ बोला जाता माँ पूछ के वेखे अपने चाचे को, माँ तो प्योते दे मर गए, चाचे को पूछ के वेखे वाह दिन तेरी माँ बड़ी शरीफ है। अच्छा तो फिर मैं क्या पुत्र किराई तेरे अंदर दी तकलीफ ते नहीं, होर गल ढूंढ, कहंदा नहीं इहदा अज़ाला दस। बस मैं सादे लफ्ज़ा चुन समझाया कि इहदा अज़ाला यही है जिथे महफले हुसैन में क्यों ते बैठ, क्या बात, जिथे महफले, हाँ मुख्तसरे मैं तफसील च नहीं जाना चाहता कि इस गल नू क्या 12-13 साल हो गए आज ओदी औलाद भी आजादार और मातम भी, क्या बात है। मुख्तसरे कि समझो इस गल, ढूंढो इस गल, कैसी मुखालफत किस चीज दी कर रहे हैं यार है? आओ तुसी हैरान हो के गल किथे दी ते मैं गल की कह रहा हूं तुहानू समझ आएगी जेडे मैं इब्तदा जिस गल तू कीती है। असि रसूल अल्लाह दा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मैं ये सब तुम्हारा करम है, क्या बात के बात अब तक बनी हुई है।